जुड़ चुका है। कांता आंटी जी एक बार हाय कहिए आप। हाय, कैसा लग रहा है आपको? खतरनाक कैसा लग रहा है? हेलो गाइज, वेलकम है आपका अनशोर ब्लॉग में। तो गाइज कैसे हैं आप सभी? तो गाइज जैसे कि आज आपको पता ही है, आज है पर्यावरण दिवस जो है। तो आज हमारी पंचायत से जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ आशा शर्मा जी, BDC मेंबर जो है वो सफाई अभियान में जुड़ चुके हैं, और काफ़ी सारी महिलाएं हमारे साथ हैं यहाँ पे। सेक्रेटरी विजय लक्ष्मी जी भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, और वार्ड मेंबर निर्मला जी भी हमारे साथ मौजूद है। निर्मला जी एक बार हाय तो कर लीजिए। आशा जी एक बार हाय, झाड़ू के साथ हाय हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ जो है, यहाँ पे सारे जो लेडीज़ डिपार्टमेंट है वो सारा यहाँ पे सफाई अभियान में जुड़ चुका है। कांता आंटी जी एक बार हाय कहिए आप। हाय, कैसा लग रहा है आपको? हेलो, खतरनाक कैसा लग रहा है? तो हमारे साथ और आंटी जी भी हैं यहाँ पे, उनसे भी आपको हाय करवाते हैं। हाय कीजिए आंटी जी। हाय, आप अपना नाम बताएं। रक्षा शर्मा। रक्षा शर्मा आंटी जी जो हमारे साथ है यहाँ पे, ये भी देखिए, ये भी सफाई अभियान में जुटे हुए हैं, और बहुत सारी आंटीज हमारे साथ है यहाँ पे। एक बार हाय कर दीजिए आंटी जी। क्या बात है, क्या बात है जी, सभी हाय कह रहे हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पे जो है एक आंटी जी है वो कुछ कहना चाहते हैं। आंटी जी कुछ कहना है आपको क्या? नहीं, मेरे को बस यही कहना है कि यहाँ पे बहुत गंदा आते हैं, पता नहीं आने जाने वाले लोग हैं या दुकानदार है। हम सभी से ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी यहाँ पे कूड़ा लाए अपने घरों में, जो इकट्ठा करके जला दिया करे, और जो दूसरा कूड़ा है उसको जो है ना उसकी खाद बना सकते हैं, जो गीला कचरा होता है। इसलिए सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि यहाँ पे कोई भी कूड़ा न फेंके। बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, थैंक यू आंटी जी, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया यार। आप लोगों को एक वीडियो भी हम लोग लेके आए थे इसी से रिलेटेड, कि जो कचरा होता है घर का कचरा यार, वो बाहर ना फेंके, अपने घरों में जलाएं उसको। नहीं तो आपको अभी दिखाते हैं कि क्या हाल होता है, दिखाते हैं आपको ज़रा। तो आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे कचरे का ढेर पूरा लगा हुआ है, और ये क्या है, ये अपने घरों से जो है हम लोग कचरा उठा के लाते हैं और एक जगह फेंक देते हैं, ये उसी का नतीजा आपको यहाँ पे दिख रहा है। आज पर्यावरण दिवस है तो यहाँ पे सफाई अभियान छेड़ा, तब जाके यहाँ पे इस कचरे को जो है आग लगाई जा रही है। तो गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यार आप सिर्फ पर्यावरण दिवस का वेट ना करें सफाई के लिए, बल्कि अपने घरों का कचरा जो है वो अपने घर पे ही जला दें, ताकि ऐसी जो गंदगी, ऐसी जो स्मेल जो है आने जाने वालों को जिसका सामना करना पड़ रहा है वो बच जाए। तो गाइस थोड़ा सा वीडियो क्लिप आपको हम अभी आगे दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमारे पंचायत से आशा जी, BDC मेंबर, वार्ड मेंबर्स किस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आशा वर्कर्स है यहाँ पे और महिला मंडल है यहाँ पे, तो हम अभी आपको दिखाते हैं वीडियो में। जनता को यही मैसेज देना है कि अब यहाँ पे हम कैमरा लगवा रहे हैं, तो जो भी डस्ट कूड़ा डालता देखा गया या पकड़ा गया उसको पेनल्टी रखी जाएगी 1000 रुपए। क्या बात है, 1000, बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल सही डिसीजन है जी। यहाँ आकर सफाई कर या यहाँ पे आके सफाई की जाए, आशा जी कह रही है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जब तक कैमरा नहीं लगेगा ना पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जी मैम, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, और इस अवसर पे मैं अपने सभी पंचायत वासियों से अनुरोध करती हूँ कि आप खुले में इस तरह की गंदगी ना फैलाएं। जी, ये गंदगी फैलाने का जो नुकसान है हमें स्वयं को है, ये गंदगी आप हर कहीं फैलाएंगे, और यही हमारे वाटर रिसोर्सेज से उनमें मिलेंगे, हवा में मिलेगा, और पानी के ज़रिए या फिर वायु के ज़रिए हमारे अंदर हमारे बॉडी में चले जाएंगे, और उसके बाद हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार होंगे। और ये जो बूंदी पंचायत है एक मॉडल पंचायत मानी जाती है। जी जी, सही, इसमें है। सारी फैसिलिटीज़ है, बैंक है, स्कूल है, और ये यहाँ के जो लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कें हैं बिल्कुल साफ़ है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि इस गांव के मुख्य द्वार पर ही कूड़े का ढेर है। ठीक है, और स्थानीय लोगों से बात करने पर ये हमें सुनने को मिलता है कि वो इस तरह की गंदगी नहीं फैलाते, लेकिन यहाँ के जो दुकान वाले हैं या फिर किरायादार हैं इस तरह की गंदगी फैलाते, या फिर यहाँ ऐसा सुनने को भी मिलता है कि जो दूर दूर से लोग बाइक्स में, गाड़ियों में जो अपने साथ कूड़े के जो लिफाफे लेकर आते हैं यहाँ फेंकते हैं। लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि यही ऐसे कृत्य यहाँ हो रहे हैं तो उनको रोकने के लिए कुछ कार्य करें। ठीक है, उनसे मना करें और ग्राम पंचायत का सहयोग करें। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच मैम।